नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लेटेस्ट वार्डरोब के डिजाइन देख रहे हैं। तो इसमें जो भी डिजाइन है वो मॉडर्न लुक के साथ आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस तरह के वार्डरोब्स बनाने में कितना खर्चा आएगा। लेटेस्ट वार्डरोब डिजाइन घर के बेडरूम को ऑर्गेनाइज लुक देती है। इस वीडियो में बताई गई वार्डरोब को ले सकते हो, इनकी क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है जो सालों तक आपको साथ देगी। ये वार्डरोब डिजाइन बहुत ही ट्रेंडी है जो आपके रूम को लुक बदल देगी। इन वार्डरोब्स को मैं आपको ड्यूअल स्टोरेज मिलती है जो ड्योर और ड्रावर के साथ आती है। आपके डेली यूज का सामान रखने वाले कपड़े ऐसे ही बेड पर यहां वहां बिखरे रहते, इससे घर बहुत ही अव्यवस्थित नजर आता है। लेकिन इसलिए आप एक ऐसी वार्डरोब चाहते हो जो सामान को स्टोरेज कर रखे, साथ ही वार्डरोब को भी मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक दे। इसलिए आप इस वीडियो में दी गई वार्डरोब पर नजर डाल सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव डिजाइन में आने वाली वार्डरोब है जो सालों तक आपका साथ देगी। घर के लिए आने वाली इस फर्नीचर में आपको मल्टी कंपार्टमेंट मिलते हैं जिनमें सामान रख सकते हैं। इनमें आपको कपड़े हैंगर में लटकाने का भी ऑप्शन मिलता है। ये वार्डरोब डिजाइन 2 से 4 डोर के साथ आ रही है जो बहुत ही स्पेशियस डिजाइन है। इनमें एक साथ कई कपड़े आसानी से रखे जा सकते हैं। ये वार्डरोब बहुत मजबूत और टिकाऊ है। इन वार्डरोब डिजाइन्स में कई रैक्स भी दी गई है। तो इन वार्डरोब की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन, इन वार्डरोब में कई कलर ऑप्शंस भी आपको मिल रहे हैं जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते, जिसे आप अपने घर के इंटीरियर के अनुसार भी ले सकते। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं वार्डरोब्स को शामिल किया हूं जो बहुत ही ट्रेंडी फीचर्स के साथ आ रही है। इनके लेटेस्ट मॉडर्न डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई डिजाइन पसंद आती है या आपका कोई वार्डरोब के रिगार्डिंग सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। और यदि आपको इस तरह के वार्डरोब्स बनवानी है तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया है कॉन्टेक्ट इन्फो। तो हम अभी ये जानेंगे कि वार्डरोब बनाने के में कितना खर्चा आ जाता है। तो यदि आप एक एग्जाम्पल लेते, 8x6 का बना रहे हो, तो आजकल जो मार्केट में रेट चल रही है वो 1000 रुपये से लेकर 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट तक चालू है। ये डिपेंड होता है कि आप उसमें कौन सा क्वालिटी के मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप एमडीएफ बोर्ड के वार्डरोब बनवाइए, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है और ज्यादातर आजकल एमडीएफ बोर्ड के ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं वार्डरोब्स। एमडीएफ वार्डरोब जो है वो पॉपुलर है प्लाईवुड से ज्यादा, इसलिए वो एमडीएफ बोर्ड ज्यादा यूज होने लगी है फर्नीचर्स के लिए, क्योंकि उसकी मजबूती भी होती है और उसका मेंटेन करने में भी आसानी होती है। उसका जो मेंटेनेंस है वो लो मेंटेनेंस है, उसकी चमक भी अच्छी होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है और ये रोजमर्रा की टूट फूट को आसानी से झेल सकती है। और एमडीएफ बोर्ड की ताकत समय के साथ दरार पड़ने, टूटने या मोड़ने के जोखिम को भी कम करती है। और जो एमडीएफ से जो आप बनाना चाहते हो, तो ये आपको लगभग डिपेंड होता है कि आप उसमें कौन से शीट्स लगाना चाहते हो या डिजाइन आप सिलेक्ट करते हो। अगर आप मिनिमम जैसे इसमें कोई डिजाइन है, अगर आप इसमें कुछ डिजाइन पसंद आती है तो आप ऐसे डिजाइन में कोई आप सिलेक्ट करते हो तो इसमें कुछ 1000 से लेके आपको मिनिमम पर स्क्वायर फीट तक चालू है। तो यदि एक एग्जांपल लेते हैं, आप 8x5 का वार्डरोब बना रहे हो, तो मतलब 8x5 तो हो गया 40 स्क्वायर फीट। तो 40 स्क्वायर फीट इंटू 1000 रुपये, तो ये आपको लगभग 40,000 के आसपास पड़ेगी। और जब भी आप वार्डरोब बनाते हो तो आप ऐसे कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिए, जैसे कि आप उसमें कौन सा मटेरियल्स यूज कर रहे हो, आपके रूम में साइज कितना अवेलेबल है, क्योंकि आपको एक
रूम में मोस्टली तो साइज के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए, नहीं तो ये ना हो कि आपके रूम में साइज कम है और आप बड़ा वार्डरोब बना रहे हो तो उसकी वजह से आपका जो रूम है और भी छोटा दिखने लगेगा। तो आप सबसे पहले मेजरमेंट लीजिए, आपको वार्डरोब साइज कितना है और आपको वार्डरोब कितनी साइज का चाहिए और उसमें कौन सा मटेरियल्स लगने वाला है। तो आप तीसरा, आप जब भी अपने एरिया में आप किसी कारपेंटर से बनाते हो तो उनसे पहले कोटेशन वगैरह पूछ के रखिए। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप 2-3 कॉन्ट्रेक्टर से पूछिए कोटेशन, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, और आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे यदि आपने 2-3 जन से कोटेशन मंगाई है तो। और उसमें कैसा होता है कि ये तीनों का जो है रेट डिफरेंस तो रहेगा ही, तो यदि आपके बजट में इसमें कोई आपके बजट में बैठ रहा है तो आप उससे बनवा के ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।